हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाहौर का पिच रिपोर्ट जो है वो कैसा हो सकता है, किस तरह के सीनरी जो आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम पर जो है यहाँ पर बहुत सारे PSL के मैचेज होने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक बात करें तो अभी तक जो PSL चल रहा है उसमें से कोई भी मैसेज जो है लाहौर पर नहीं हुआ है। तो ये जो है पहला मैच होने वाला है और देखेंगे किस तरीके से मैसेज हो सकता है, क्या क्या सीनरी जो है रहने वाला है। तो सबसे पहले अभी तक जो है आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। लेकिन अभी तक आप जो है मुझसे नहीं जुड़े और चाहते हो कि PSL में विनर सेशन एंट्री में जो है ट्रॉफी उठा सके, जो कि बहुत सारे लोग जो उठा रहे थे, जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर रिसर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्प्ले में डिटेल्स मिल जाए जहाँ से आप जुड़ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जो ट्रॉफी उठाने की जर्नी है आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग लाहौर की बात करते हैं ना, तो लाहौर को देखोगे तो गद्दाफी स्टेडियम की बात करते हैं तो ओपन जो है काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन अभी पिछले एक दो एडिशन से जो यहाँ पर मैचेज हो रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैपेसिटी जो है 27,000 के आसपास है, तो ठीक ठाक कैपेसिटी है। और लोकेशन जो है आपको लाहौर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। होम ग्राउंड जो है ये लाहौर कलंदर का जो है वो होम ग्राउंड है। तो अब बात करते हैं हम लोग पिच के बारे में। तो पिच देखोगे तो ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच है, और वैसे भी जो देखोगे ना तो बाउंड्री एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है लाहौर का, ईजी टू जो है वो स्कोर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे बाउंड्री लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे चौके छक्के लग सकते हैं। और पिछले एडिशन में भी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे रन जो है वो बन रहे थे, और इवन जो है यहाँ पे 200-200 से जो है वो आसपास रन काफ़ी बढ़िया तरीके से बन रहा था, जिसमें किसी तरह का जो है दिक्कत नहीं हो रहा था। और हाईएस्ट स्कोर भी देखोगे तो मुल्तान यहाँ पर बनाया था 245 रन, और इस बार जो है यहाँ पर भी जो है मैचेज जब होगा तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा अच्छे जो है रन लगने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पावर हिटिंग है वो भी जो है काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो लाहौर के लिए जो है ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाहौर का जिस तरह का अभी तक का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अपने आप को जो है उनको बदलने का एक चांसेस मिल सकता है। क्योंकि लाहौर जो है अभी तीसरे पोजीशन पे है, 3 मैचेज जो है खेला है और 2 जीता है, और यहाँ पे जो मैचेज लाहौर खेलेगा उस मैचों में से आप देखोगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चांसेज बन सकता है कि यहाँ पर जो है देखो पेशावर से खेलने वाला है, इस्लामाबाद से खेलने वाला है, क्वेटा से, मुल्तान से खेलने वाला है। तो वैसे सीनरी में जो है यहाँ पर जो है वो अपने चांसेज बढ़ा सकते हैं, जिस तरह का जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है इस ग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं। तो इसके अलावा जो है देखोगे तो यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर जो है वो 90 रन है जो कि बनाया था क्वेटा ने, और हाईएस्ट जो है 245 रन है। इसका मतलब आप देखोगे यहाँ पे ना तो रन जो है काफ़ी हाईएस्ट स्कोरिंग में रहता है, वो फिर में देखेंगे। और जैसे जैसे जो है यहाँ पे पिच जो है वो और ज़्यादा ओल्ड होता जाता है, शुरुआत में थोड़ा सा स्पिन जो है वो रहता है यहाँ पे, यानी कि अगर हम लोग पिच की बात करते हैं पूरी अच्छे तरीके से, तो देखोगे शुरुआत का जो ओवर होता है ना थोड़ा सा जो यहाँ पे चांसेस रहता है कि एक दो विकेट गिर जाए तो स्कोरिंग एरिया जो है थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन एक दो विकेट गिरने के बाद भी हमने लाहौर पे बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं जहाँ पे शुरुआत में 1-2-3 विकेट गिर जाता है, फिर भी रन जो है 180 के आसपास बन जाता है। तो इस तरह का जो है ग्राउंड है, इसका मतलब यह है कि ग्राउंड जैसे जैसे जो है थोड़ा सा स्लो रुकते जाता है, यहाँ पर मैसेज होते जाता है कि जो है बैटिंग एरिया में कन्वर्ट होते जाता है, और रन जो है वो बिल्कुल एकदम से बढ़ते हुए चला जाता है। और इसका एक रीज़न ये नहीं है कि केवल पिच जो है वो बैटिंग पिच है, बल्कि एक रीज़न ये भी है कि ये ग्राउंड जो है वो भी काफ़ी आउटफील्ड जो है काफ़ी तेज़ है, और साथ में बाउंड्री एरिया भी जो है वो छोटा है, बाकी ग्राउंड के कंपेयर में आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा है। इसके अलावा बात करते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे जो है बैट्समैन रुकते जाएगा तो बैट्समैन के लिए एक अच्छा सा जो है ये ग्राउंड है जहाँ पे उसने रन रेट बढ़ा सकता है, अपना जो रिकॉर्ड है वो भी बढ़ा सकता है। और साथ में इस ग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा आप चांसेस देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट बैट है काफ़ी अच्छे रन जो है यहाँ पे लगता है। और वैसे भी जब 200 रन बोर्ड पर लग जाता है चेस करने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है, तो ये रिकॉर्ड जो है आपको आने वाले टाइम में भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बॉलिंग के हिसाब से, तो बॉलिंग में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीली है बॉलिंग, लेकिन हाँ बॉलिंग में शुरुआत में जो कुछ विकेट मिल गया तो मिल गया, लास्ट में जो है थोड़ा सा विकेट मिल गया तो मिल गया, लेकिन बीच में चांसेस बहुत ही कम रहते हैं इस ग्राउंड पर कि विकेट जो है आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं स्टेट्स का, तो T20 में इंटरनेशनल में देखोगे तो 17 मैचों में से 9 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 8 जो है सेकंड बैट जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो 170 के आसपास, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज है इस ग्राउंड के हिसाब से। लेकिन यही डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 32 मैचों में से 19 फर्स्ट बैट जीता है, 13 सेकंड बैट जीता है, और ये आंकड़ा फर्स्ट बैट की तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर रन जो देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बनता है, इसीलिए तो एवरेज फर्स्ट बैट जो यहाँ पे 170 से ऊपर है, और हाईएस्ट देखोगे 245 है, लोएस्ट जो है 90 है जो कि क्वेटा ने बनाया था। और यहाँ पर अगर हम लोग स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखोगे 170 से ऊपर देखो यहाँ पे, तो 170 से ऊपर जो है वो 18 स्कोर है, तब सोच सकते हो कि बिल्कुल जहाँ पे 30 के आसपास जो है मैसेज हुए हैं और उनमें से 18 स्कोर जो है 170 से ऊपर हुआ, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, 190-180 के आसपास रन जो है बहुत ही ईजिली बन जाता है इस ग्राउंड पर। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो इस तरह से जो है हम लोग कर देते हैं वीडियो को एंड, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि आप विनर सेशन एंट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। साथ में आप क्वालिफिकेशन सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।